हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग्स एनर्जी ओरेकल से, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं इस वक्त, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, कौन आना चाहता है पहले नंबर पे, किसे आना है, इससे आना है। चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि शादी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर सिंगल हैं तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स या कोई अदर सिचुएशंस की वजह से वो चीज़ें, बातें बन नहीं रही हैं, इस चीज़ का टेंशन है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी मैरिड लाइफ में। हो सकता है ज़बरदस्ती शादी हुई हो, या हो सकता है प्रेशर में हो, किसी तरह का टॉक्सिक मैरिज हो। आपकी तरफ आना चाहते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करें। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं शादी से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड। सेलिब्रेशन की एनर्जी है डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ खुशी फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। आपके बिना अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है इनकी। बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, हर सिचुएशन में ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको मैसेजेस आ गए हों जिन्हें नहीं आए हैं, बहुत जल्द रिसीव होंगे। यहाँ पर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बीच का रास्ता निकालने की सिचुएशन में है, जैसे इनके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। पैसे से रिलेटेड भी कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनके लाइफ में सडनली मॉनिटरी पोजिशंस या सिचुएशंस कमज़ोर होती जा रही है, जिसका इनको स्ट्रेस हो रहा है। या तो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ट्रैप्ड हैं, किसी सिचुएशन में बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन यहाँ पर मौजूद है। तो गाइस ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। साइन की बात करें तो वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वी हैव टॉरस, कैंसर एनर्जी वेरी स्ट्रांगली, वी हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ पर फायर एनर्जी मिसिंग है इस डेक से, हो सकता है दूसरे डेक से फायर एनर्जी आए, बट फिलहाल यहाँ पर बोल्ड डिसीजन की, सडन डिसीजन की और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी मिसिंग है। लेट्स चेक आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन, क्या आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। ओके, यहाँ से रीडिंग शुरू होगी। आपके पर्सन, वाओ, यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस वक्त बैलेंसिंग मोड पर है, मतलब कि उनका अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था तो अब इनकी फैमिनिन एनर्जी भी एक्टिवेट होगी, बैलेंस होगी। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा फैमिनिन भी सही नहीं है, तो बैलेंसिंग की एनर्जी है। प्लस बहुत सारे लोगों का मर्जिंग यहाँ पर हो सकता है, स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन के साथ बहुत जल्द आपका यूनियन होगा। और आने वाला जो इक्लिप्स है ये बहुत तगड़े वे में इफ़ेक्ट करेगा आपके पर्सन के ईगो को, या इनके लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रिलीज़ होंगे। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इमोशनल हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में एक ऐसी प्योरेस्ट सोल हैं जो किसी भी सिचुएशन में इनका साथ नहीं छोड़ती या नहीं छोड़ता, हमेशा प्यार करता है अनकंडीशनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो भी आप प्यार करते हो, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई तो भी आप प्यार करते हो, वापस आए तो आप और ज़्यादा प्यार करते हो। आपको इनसे कोई शिकायतें रहती भी हैं तो इनके वापस आते ही वो शिकायतें गायब हो जाती हैं। सच है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर वी हैव सोलर प्लेक्सेस, आर्केंजल शैमुअल। यहाँ पर जो आर्केंजल शैमुअल हैं उनकी एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क करेगी। देखिए सोलर प्लेक्सेस का कार्ड आपको इधर भी ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों ज़्यादा दिखाई देगा, उसके पीछे कारण है। सोलर प्लेक्सेस जो है ये सूर्य की एनर्जी को कैरी करता है। सन की एनर्जी हमारे लाइफ में हमारी आत्मा है और सोलर प्लेक्सेस चक्रा हीलिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगी क्योंकि है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की जो वाइब्रेशन है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो कि आने वाले आज, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी से आपको फील हो रहा होगा, और सूर्य ग्रहण के बाद भी 3-4 दिन तक आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेट बहुत ज़्यादा अपसेट है, या तो आपका पेट बहुत ज़्यादा, आपका टमी टाइट है, बहुत ज़्यादा आपको गैस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इशू है, या आपको इनडाइजेशन फील होगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, या फिर एक्सेसिव खाने का मन करेगा, ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं इस रिश्ते में, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी ब्रेक थ्रू से गुजरना पड़े, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आप दोनों ने देखे हैं, लेकिन आप दोनों का जो यूनियन है वो डिवाइनली गाइडेड है। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन विद स्ट्रेटजी। तो आपके पर्सन, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, उनसे निकलने के लिए प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्रॉपर वे में स्टेप्स ले रहे हैं। स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलेगी, थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हार्ड टाइम है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, आपके पर्सन का यही मैसेज है आपके लिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये इक्लिप्स। मैं अभी अपने दूसरे चैनल पे भी, क्योंकि आज मंडे है, तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग पोस्ट करूँगी। तो अगर इस चैनल पे कोई ऐसा है जो नहीं जानता कि मेरा दूसरा चैनल भी है, तो टैरोट विद एम सिंह मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, आपकी तरफ अगला कदम क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 5 कार्ड्स 1 by 1, ओके। 7 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चूज़ वाइजली। कार्मिक को चूज़ करना है या अपने ट्रू लव को चूज़ करना है, ये ऑप्शन आपके पर्सन के पास है। ये ऑप्शन इनको यूनिवर्स के द्वारा दिया जाएगा, किसे चूज़ करना चाहते हो तुम। ये ऑप्शन यूनिवर्स इनको देगी कि आप कार्मिक को चूज़ करके अपने लाइफ में अपने कर्मा क्लेंस करके और अपने जो भी सिचुएशंस हैं उनको इम्प्रूव करके आप अपने आप को असेंड करना चाहते हो, या आप कार्मिक में ही स्टक रहना चाहते हो। तो अगर कोई ऑलरेडी कार्मिक में है तो उनको कर्मा रिलीज़ का एक मौका इस इक्लिप्स के दौरान ज़रूर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन रखता है यूनिवर्स की बातों को समझने का, इशारों को समझने का, उनके साइंस को समझने का, तो उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि उन्हें इस सिचुएशन से अब बहुत हो गया, अब निकल जाना चाहिए। तो इनको ये ऑप्शन देने वाली है यूनिवर्स की एनर्जीज़ कि इन्हें किसे चूज़ करना है, अपने कार्मिक को चूज़ करना है या वहाँ से रिलीज़ होना है। नेक्स्ट वी हैव 4 of Wands। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, एक सॉलिड स्टेबिलिटी, सॉलिड कमिटमेंट। 4-4 की वाइब्रेशन है, 4 नंबर है राहु का, राहु ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। ठीक है, यहाँ राहु केतु की वाइब्रेशन है 7 और 4 विद सूर्य। ठीक है, तो सूर्य की भी एनर्जी है, यहाँ राहु केतु की भी एनर्जी है। ग्रहण आपका राहु सूर्य और चंद्रमा बुध, यहाँ पर सूर्य ग्रहण की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल साइंस हैं ये। इसके बाद हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप में से बहुत सारे लोगों को 7 दिन के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, मैसेजेस रिसीव होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को 4 दिन में ही रिसीव हो, कुछ लोगों को 7 दिन के अंदर रिसीव होंगे। थर्ड पार्टी से जिनके भी पर्सन कार्मिक्स को रिलीज़ करने का ऑप्शन चूज़ करेंगे, उनका थर्ड पार्टी से ब्रेकडाउन होगा, ब्रेक थ्रू की एनर्जी से गुजरेंगे आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ, जो कि कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा रिलीज़ होगा। 8 नंबर शनि का है तो यहाँ पर कर्मा रिलीज़ होगा, 5 नंबर बुध का है तो यहाँ पर देखिए जो वाइब्रेशन है वो आपको कुछ बताना चाह रही है। जुपिटर अस्त है
शनि की एनर्जी है, शनि की दृष्टि रहेगी। 4 नंबर राहु का है, 7 नंबर केतु का है, सूर्य की एनर्जी है, 8 नंबर शनि का है, 5 नंबर बुध का है। वही प्लैनेट्स यहाँ पर आए हैं जो एक्टिव हैं इस वक्त। तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन पॉजिटिव एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और जिन्हें अभी टाइम लगेगा, जिनके अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, उन्हीं के पर्सन अभी भी स्टक रह सकते हैं आने वाले समय में। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड है आपके लिए, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए। एक्लिप्स है, ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल। ऑलवेज अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी भी बात का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजंस ना ले लें, अग्रेसिव ना हो जाएं, ठीक है। कम आउट ऑफ द केव, एक्सप्रेस योरसेल्फ। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आपके पर्सन या आप जो नॉन एक्सप्रेसिव हैं उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको देखने मिलेगा। व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों के साथ कि आपका अंतर्मन आपसे कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपसे क्या बोलना चाह रही है, अपनी सोल को एक मौका ज़रूर दिया करें। मैंने अपने इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे बोला हुआ है कि रात को सोने के पहले आप अपने जिसको भी मानते हैं उनको एक क्वेश्चन दे दीजिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई डाउट है, उसका जवाब आपको 2-3 दिन के अंदर सपने के द्वारा, कहीं ना कहीं साइन के द्वारा, किसी अचानक से कोई वीडियो, किसी के द्वारा आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादातर सपनों के द्वारा। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा मैसेज किया है कि मैम हमने ट्राई किया और हमें उसका जवाब मिला ड्रीम के द्वारा। उनको ऐसा ड्रीम आया कि जब ड्रीम को उन्होंने डिकोड किया तो उसका मतलब वही था जो जवाब वो चाहते थे या चाहती थी। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को कभी दबाने की कोशिश ना करें। किस जर्नी में है, काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है जबकि एक्चुअली वो कार्मिक जर्नी में होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ना कार्मिक है ना ट्विन फ्लेम है, वो सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। तो आप किस जर्नी में हैं, आप में से काफ़ी लोगों को ये क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपका पर्सन सडनली आपको ट्रिगर करता है, आपको बिल्कुल से डिटैच होता है, या आपके लाइफ से सडनली सब रिश्ते नाते ख़त्म करके मूव ऑन कर लेता है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा गाइडेंस होगा कि आप किसी अपने पास्ट लाइफ कार्मिक से डील कर रहे थे या कर रहे हैं। अगर आपका पर्सन कितने भी मुश्किल हालात हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, सडनली आपके लाइफ से अगर चला भी गया है तो लौट कर वापस आता है, हमेशा आपका साथ निभाता है, तो आप समझ लें कि आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम के साथ बॉन्ड अनब्रेकेबल होता है। सोलमेट्स में भी डिवोर्सेज हो जाते हैं, सोलमेट्स में भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है, दोस्ती बरकरार रहती है, लेकिन ट्विन फ्लेम का रिश्ता अनब्रेकेबल होता है। तो अगर कोई ऐसा है जिससे लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसका रिश्ता बराबर नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है और ब्रेक हो चुका है रिश्ता, तो आप गलत रास्ते पर हैं। ये आपको एज अ गाइड मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनके ट्विन फ्लेम से उनकी बात नहीं होती, उनका ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड है, उनका ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा खुश है अपनी मैरिड लाइफ में और ये ट्विन फ्लेम मानकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी गलती ना करें, आप अपना न्यू कर्मा और बैड कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं। लव शुड बी अनकंडीशनल, आप जिसे मानते हैं उसे सेंड कीजिए, प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी लाइफ को रोक देना सिर्फ किसी जर्नी के नाम पे ये गलत है। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम होगा तो वो झक मार के आपके लाइफ में आएगा, वो ये रिश्ता टूट नहीं सकता क्योंकि वो आपकी आधी सोल है, ठीक है। आप दोनों एक सोल हैं, आप दोनों कंप्लीट होने के लिए ही इस धरती पर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, जो मैं अक्सर अपनी ट्विन फ्लेम रीडिंग्स में बताया करती हूँ। सो रीडिंग अगर आपको समझ में आई हो, गाइडेंस समझ में आया हो, आपको गाइडेंस पसंद आई हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।